Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. You are watching JEE Live daily. और आज बच्चों हमारा quadratic का lecture number 5 है. Last lecture तक हमने graph के related काफी सारे questions कर लिए थे. लेकिन आज range वाला एक important concept हमें discuss करना रहेगा. Alright. और उसी के साथ साथ आपके अब बस दो topics और रह जाते हैं बच्चों इस particular chapter में cover करने के. लेकिन दोनों ही बहुत important topics हैं. वो हम cover करेंगे आज के lecture में और एक और lecture मिलूंगा next week. और आपका quadratic end to end पूरा cover हो गया होगा तब तक. ठीक है? ऑलराइट तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो सारे चैप्टर्स की. अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म होगा उसी दिन आपका आईआईटी का प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है? लेकिन अगर आप लैग करते हो, अगर आप लैग करोगे बच्चों, है ना, पीछे अगर चले जाओ, पीछे अगर हो जाओगे, है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ठीक से, तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है ना. बैकलॉग कवर करना बहुत दिक्कत देता है. राइट? सो डोंट डू दैट. आई कैन सी दैट लॉट ऑफ यू ऑलरेडी जॉइंड हियर. दैट्स ग्रेट स्टूडेंट्स. ऑलराइट ऑलराइट आकाश है यहाँ पर, अंशिका, हर्ष, तेजा. ऑलराइट वेलकम बच्चों, है ना. लेट अस स्टार्ट विद अवर सेशन. ऑलराइट तो जो बच्चे यहाँ पर हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है दिन ब दिन, और हमने कितने सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं. ऑलरेडी 2 लाख स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड अस. ठीक है? और ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोज़ नए नए स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तो इसी के लिए मैं आपको फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि आई एम समीर चिंचोलीकर. आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर ऑन दिस चैनल एंड आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की. ऑलराइट हाय बच्चों, हाय, वेलकम. एंड आई हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है कि इस एक्सपीरियंस के साथ ही हम आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. और यहाँ पर जो आप टीम देख रहे हो, सारे ही टीम के जो मेंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, और आपको इनकी क्लासेस भी पसंद आ रही है मुझे पता है, क्योंकि मैं सारे ही वीडियोज़ के कमेंट्स और लाइक्स देखते रहता हूँ. ऑलराइट सो जयंत सर, पारस सर, नमो सर एंड माई सेल्फ फॉर्म द अनअकैडमी जेई टीम जो यहाँ पर आपकी मदद कर रही है. ऑलराइट बच्चों, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है. हम बस अब जो वीक का एंड रहेगा वहाँ पर 12th के क्लासेस करेंगे. तो अगर कोई ड्रॉपर्स या रिपीटर्स है तो उन्होंने इसको भी अटेंड करना चाहिए, जहां पर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने वाले होंगे. ठीक है? ऑलराइट तो अदर देन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बच्चों, हम अनअकैडमी प्लस पर भी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं बहुत ज्यादा. तो आप अगर वहां पर भी हमसे जुड़ेंगे तो आप वहां पर एक कोड यूज कर सकते हो जेई लाइव, जिससे आपको इकोनॉमिकली और ज्यादा बेनिफिट होगा. वहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड जेई लाइव. काफी सारे बच्चे यहां पर मैं देख रहा हूं कि हमें प्लस पर तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन यहां पर रात में आकर वो यूट्यूब पर भी लाइव सेशन अटेंड करते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड कि ऐसे भी बच्चे हैं जो हमें दोनों प्लेटफॉर्म पे देखना पसंद कर रहे हैं. ठीक है बच्चों? अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं कि दिस इज बेसिकली एंटायरली एजुकेशन प्लेटफॉर्म. तो यहां पर काफी सारी एडिशनल फैसिलिटीज हैं जो हम यहां पर यूट्यूब पे नहीं दे पा रहे हैं. तो यहां पर आपको रेगुलरली क्विज और डाउट सेशन मिलते हैं, विच एक्चुअली मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो आपने डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड आई विल बी लॉन्चिंग वेरी नाइस कोर्स, एंड उसका अनाउंसमेंट मैं जल्दी से कर दूंगा आप सबके लिए. तो उस कोर्स को तो आप डेफिनेटली देख ही सकते हो. ठीक है? ऑलराइट लेकिन जो रेगुलर कोर्सेज यहाँ पर हमारे चल रहे हैं बच्चों, वो क्या है, रेगुलर 11th और 12th के कोर्सेज जो आपने अटेंड करना चाहिए. यहाँ पर आप कोर्स का जो पूरा शेड्यूल है एंड टू एंड देख सकते हो वेबसाइट पर जाकर. ठीक है? ऑलराइट और अगर वेबसाइट पर जाने में आपको दिक्कत हो रही है, देन ईजिएस्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली मोबाइल. आप मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जहाँ पर आपको प्लस का अलग से एक सेक्शन मिलेगा. प्लस के सेक्शन में आप आईटी जेई सेक्शन को अगर सब्सक्राइब करते हो तो सारे ही कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाएंगे. जितना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा फाइनेंशियली. ठीक है? लेकिन एडिशनल बेनिफिट हम दे रहे हैं आपको वैसे भी. अगर आप जेई लाइव कोड यूज करते हो एज अ प्रोमो कोड, देन यू विल गेट फर्दर 10% डिस्काउंट, एंड दैट इज द वे टू जॉइन अस ऑन प्लस आल्सो. है ना? काफी सारे बच्चे वीडियो के बाद में कमेंट्स में पूछते हैं कि सर प्लस कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेरी बेटा. ठीक है? ऑलराइट तो हाउ टू क्रैक ओलंपियाड. ऑलराइट अवनीश इज आस्किंग कि हाउ टू क्रैक ओलंपियाड. ओलंपियाड क्रैक करना है बेटा तो यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ये देखो कि वहां पर जो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन से वो तो इंक्रीज होता ही है, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं वो भी बहुत कम है. ठीक है? उनके कंपैरिजन में तो आईआईटी बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करता है. ठीक है? सो इट मेक्स इट हार्डर बोथ वेज. ठीक है? बिकॉज ऑफ द लेवल एज वेल एज द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन बहुत कम है. ठीक है? सो आई थिंक अगर आपको ओलंपियाड्स क्रैक करना है, देन फॉलो दैट पर्टिकुलर चैनल जहाँ पर ओलंपियाड की तैयारी अच्छे से हो रही है. ठीक है? दिस पर्टिकुलर चैनल एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज इज एंटायरली फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ यू गाइज फॉर जेई मेन्स एंड एडवांस. ऑल राइट सो दैट इज वेयर अवर एक्सपर्टीज लाइन. ऑल राइट
चलो तो जल्दी से यहाँ पर देखते हैं बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए, जल्दी से बताओ उसका आंसर कितना आ रहा है। यस, क्या कितना आंसर आया इसका, जल्दी बताओ। यस आलोक, आंसर बताओ इसका। यस, ए बी सी डी में से कितना आंसर आया था। तो ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलरली जिस फॉर्मेट का है, ये फॉर्मेट एक्चुअली आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस फॉर्मेट में बेस्ड इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जिसके अंदर कैलकुलेशन भी थोड़ी सी लंबी होती है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, अविनाश इज टेलिंग अस द आंसर, ईशा भी आंसर बता रही है, ऋषभ ऑल राइट, आर्यन, ध्रुव बहुत बढ़िया बच्चों है ना, ऑल राइट, नमन यस yes, तो यहाँ पर सारे बच्चे मेरे ख्याल से आंसर बता रहे हैं, लेकिन ए और सी और बी में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। आई थिंक इसका आंसर कहीं ना कहीं शायद बी है, लेट अस सी कि इसका आंसर बी कैसे आ रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, जो रैशनल एक्सप्रेशन है, उसमें थोड़ा सिमेट्री है, ऊपर जैसा एक्सप्रेशन लिखा है ऑलमोस्ट वैसा ही एक्सप्रेशन नीचे भी लिखा है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप इसको बड़ी आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि लेट अस अज्यूम कि ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ऑल राइट, 3x square plus 9x plus 17 upon 3x square plus 9x plus 7. What I can think of is, I can break the 17 in the numerator into two parts. उसको मैं 7 और 10 में ऐसा अगर split कर लेता हूँ तो exactly मेरे पास कितना हो जाएगा, 3x square plus 9x plus 7, और 10 मैंने अलग निकाल लिया। तो जैसे आप वो 10 अलग निकालोगे, आपके पास दो अलग अलग अब टर्म्स बनेंगे, जिसमें से आपको पहली टर्म में तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये 1 कैसे आया, 3x square plus 9x प्लस 7 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ऑलराइट। और बचा कितना है ऊपर, 10 बचा है, तो वो कितना दिखाई देगा आपको, 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब अगर आपको इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, अगर आपको y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आपने क्या सोचना चाहिए था कि ये एक एक्सप्रेशन है जहां पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, बस यहां पर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर आपकी चेंज हो रही है, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना बड़ा फ्रैक्शन होगा, जितना बड़ा फ्रैक्शन में वन में ऐड करूंगा उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब मुझे अब सोचना क्या चाहिए कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, कौन सा वाला एक्सप्रेशन, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है। इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो अगर मैं यूज़ कर लूँगा एक्सप्रेशन में, तो मुझे वाई का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो इस वजह से ये कहानी काफ़ी सिंपल थी, दिखने में ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली ये सिंपल से क्वाड्रेटिक में रिड्यूस डाउन हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसका मतलब आपका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड फेसिंग होगा, तो इसका वर्टेक्स जो होगा वो कैसा होगा, मिनिमा होगा। तो आपको मिनिमा ही तो निकालना है, वर्टेक्स मतलब मिनिमा। तो यहाँ पर आप वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे बताते हो, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट किस में है, माइनस डी बाई फोर ए में इंटरेस्ट है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो वाई क्या बता रहा है, आपको आउटपुट बता रहा है, ठीक है। तो माइनस डी बाई फोर ए जल्दी से यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए और सी, ए और सी, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, टू ए। ऑलराइट, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं क्या, तो एक कैंसिलेशन तो मुझे 3 का ऑटोमेटिकली दिख रहा है, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा, और यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 4 है ना, सॉरी नीचे 4 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 27 और 28, तो ये हो जाएगा अंदर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4। कितना हो रहा है बच्चों, 1/4 निकल के आ रहा है। तो आपके डिनोमिनेटर का जो मिनिमम वैल्यू है आपको अगर पता चल गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/4 यूज कर लोगे। 1/4 जैसे ही आप यूज करोगे वो ऊपर जाके 40 क्रिएट करेगा, और 40 में जब 1 ऐड हो जाएगा तो आपका आंसर 41 आ जाएगा, ठीक है। यस, सिंपल है, आई बात समझ में बच्चों। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लिया एक सिंपल क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में, ठीक है। यस, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जैसे ही दिखने वाले क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो भी क्या है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक रैशनल एक्सप्रेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशंस किस टाइप के बनेंगे, तो वो या तो आपके पास क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, ऊपर भी क्वाड्रेटिक लिखा था नीचे भी क्वाड्रेटिक लिखा था, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो सकता है,
या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है। ये तीन टाइप के अगर एक्सप्रेशंस हैं तो उनको हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है, विच इज रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशंस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ध्यान से सुनते जाओ, ठीक। ऑलराइट, तो देखते हैं क्वेश्चन, उसको समझने की कोशिश करते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है होमवर्क वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि अगर मैं अलग अलग करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट नहीं बचेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट बच गया था, तो ये डेफिनेटली उससे तो बेटर है ही, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रोच देखो क्या है, अप्रोच सुनने की जरूरत है यहाँ पे। मैं क्या सोचता हूँ कि सिंप्लीफाई तो मैंने कर ही लेना चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पे, ये जो तीनों टाइप के एक्सप्रेशंस हैं इनमें सबसे मुश्किल वाला कौन सा रहेगा? जिसमें ज़्यादा टर्म्स होंगे वो मुश्किल होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो छः छः टर्म्स है। लेकिन अगर मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के बारे में सोचता हूँ तो एटलीस्ट लीनियर में ऊपर एक टर्म तो कम हुई, ठीक है। तो जितनी कम टर्म्स होंगी उतनी कम कैलकुलेशंस होंगी। सो वी वुड ऑलवेज प्रीफर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एज कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन मेथड सॉल्व करने का तीनों का सेम ही है। अगर आपने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक सीख लिया तो आपने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी सीख लिया है, क्योंकि अप्रोच तो सब में सेम ही यूज करेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं अप्रोच यूज करना क्या है। ऑलराइट, देखो अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मुझे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की रेंज निकालना है, सो लेट अस अज्यूम इट टू बी इक्वल टू वाई। लेट अस अज्यूम दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक स्टेप तो बिल्कुल करूँगा ही करूँगा। क्या करता हूँ यहाँ पे, ऐसा करते हैं कि प्लस सिक्स एक्स कर लेते हैं। प्लस सिक्स एक्स क्यों कर लेते हैं? क्योंकि प्लस सिक्स एक्स अगर हो जाएगा तो ये प्लस थ्री एक्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा किया है तो माइनस सिक्स एक्स भी करना पड़ेगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में प्लस सिक्स एक्स कर रहा हूँ और माइनस सिक्स एक्स भी कर रहा हूँ। ऑलराइट, प्लस सिक्स एक्स क्या करेगा, जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो एक्सप्रेशन उसको एग्जैक्टली कितना बना देगा, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस, प्लस हो जाएगा आपके पास थ्री एक्स प्लस फोर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेम एक्सप्रेशन, क्योंकि उसी के लिए तो हमने इतना मेहनत किया था। आगे क्या बचा हुआ है, आगे बचा हुआ है माइनस सिक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक है। क्या किया है मैंने, दो पार्ट्स में एक्सप्रेशंस को ब्रेक कर लिया है। क्या किया है, दो पार्ट्स में एक्सप्रेशंस को यहां पर मैंने ब्रेक किया है। ऑलराइट, तो अब देखो क्या हो रहा है, अगर ये ऑलरेडी वन बन गया है तो इसका तो टेंशन हो गया खत्म, ये वन बन गया। अब मेरे पास बचा क्या है, माइनस ऑफ 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहां पे, थोड़े से मैनिपुलेशन से जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक था उसको सबसे पहले मैंने क्या किया है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, कॉन्स्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक कर दिया था, वो तो बहुत ही आसान हो गया था, क्लियर। लेकिन यहां पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनाए तो थोड़ा सा हमें मेथड नया सीखने की अब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ऐसा करते हैं, वाई का रेंज निकालने के लिए बोल रहा है ना, वो y का रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। ऐसा करते हैं, इसको कुछ z मान लेते हैं और z की रेंज निकाल लेते हैं। अगर मैं z की रेंज निकाल लूंगा तो 1 माइनस दैट रेंज विल गिव मी y का आंसर, 1 माइनस z का रेंज विल गिव मी y का आंसर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं z मान के आ रहा हूं, z इज इक्वल टू 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। अब सुनो तरीका क्या है, ठीक है। अब यहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर आपको क्या देखना है कि हम इसमें क्वाड्रेटिक का यूज करते कैसे, ठीक है। तो यहां पर मैं करूंगा पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस थ्री एक्स जेड प्लस फोर जेड इज इक्वल टू सिक्स एक्स। दिख रहा है यहां पर सब कुछ, है ना। यहां पर अगर मैं एक्स वाला टर्म, सिक्स एक्स वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं और इस एक्स वाले टर्म के साथ कंबाइन करता हूं तो क्या बनने वाला है, देखो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा जेड इंटू एक्स स्क्वायर, z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री जेड माइनस सिक्स इंटू एक्स और अलग से फोर जेड इक्वल टू जीरो। यहां पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए z को कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब यहां पर आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को फिर से देखोगे तो आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिलेगा, विच इज इफ x इज रियल, If x is real, ठीक है। तो अब आपको इसको सोचना कैसे है कि अगर x real है तो आप यहां पर कोई भी real value डालना start कर सकते हो, तो आप तो सारी ही x की real value डाल दोगे इसके अंदर।
अगर आपने सारी ही x की रियल वैल्यू डाल दी तो आपको सारे ही y के आंसर्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, लेकिन अब ये जो आगे वाला एक्सप्रेशन है इसको देख के मैं कुछ और सोच रहा हूँ. इसको देख के मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर x रियल डालना है तो z कुछ ना कुछ आएगा. x रियल डालना है तो z कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन मैं उल्टा सोच रहा हूँ कि अगर मैं z डालूंगा तो z मैं ऐसा डालूंगा कि x फाइनली रियल निकल के आए. उल्टा सोचना है, ठीक है? क्या सोचना है कि अगर मैं z की वैल्यू डाल रहा हूं तो मैंने वैसी ही वैल्यू डालना चाहिए बस जिससे x रियल निकल के आए, क्योंकि हमने रियल ही तो डालना स्टार्ट किया था, तो इस इक्वेशन से सॉल्व करके भी रियल ही आंसर आना चाहिए. लेकिन जैसे ही आप ये बोल रहे हो कि x रियल निकल के आना चाहिए, तो ये तो आप बोल रहे हो कि x के सॉल्यूशन रियल होना चाहिए. अगर x के सॉल्यूशन रियल होना चाहिए तो आप तो नेचर ऑफ रूट का डिस्कशन कर रहे हो. नेचर ऑफ रूट क्या बोलता है कि अगर आपको x रियल चाहिए तो उस केस में आपने क्या लिखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. क्या लिखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखना चाहिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन का. तो इस इक्वेशन का अब हम डिस्क्रिमिनेंट लिखने वाले हैं. देखो यहां पर क्या चेंजेस होंगे. अब अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, 3z माइनस 6 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी 4z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. दिख रहा है इतना क्या किया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर दिया है. ऑलराइट, अब अगर मैं यहां पर ध्यान से और देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये 4 है और ये 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर है. ये z है और ये z है, मतलब z का स्क्वायर है. तो ये एंटायरली 4z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. क्लियर? तो कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है. 3z माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ऐसा मैं इसको अगर लिखता हूं तो मैं यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख पा रहा हूं. ठीक है, क्या बनेगा यहां पे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. अगर ए प्लस बी करोगे तो कितना आएगा, अगर a प्लस बी करोगे तो यहां पर a और b ऐड करके आपके पास आएगा 7z माइनस 6 a प्लस बी हो गया. एंड a माइनस बी अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस z माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. यहां तक आई बस समझ में. अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है एक इनइक्वालिटी में. ठीक है, ये इनइक्वालिटी आपको कैसी दिख रही है, आपको यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वैल्यू रिपोर्ट करनी है. लेकिन यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो z है, ये z जो है ये वाला नेगेटिव वाला z, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ताकि वो z भी कैसा कोएफिशिएंट वाला हो जाए, पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाला हो जाए, क्योंकि उसके साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. लेकिन जैसे मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा मुझे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होगा. ठीक है, तो ये कितना बनने वाला है, 7z माइनस 6 इंटू z प्लस 6. यहाँ मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया लेकिन लेस देन और इक्वल टू जीरो कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चेंज किया लेस देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हमें करना होता है. ठीक है, ऑलराइट. तो अब क्या होगा यहां पे, अब अगर मैं वेवी कर्व मेथड का यूज करता हूं तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है माइनस 6 और उसके बाद आ रहा है 6/7. ठीक है, तो यहां पर साइन क्या लगता है, प्लस माइनस प्लस. ये तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहली बार जब हम मिले थे लाइव क्लास में तो हमने वेवी कर्व मेथड का ही डिस्कशन किया था बच्चों, है ना, तो वाली क्लास देखते रहना. यहां पर मैं क्या सिलेक्ट करने वाला हूं, मैं नेगेटिव वैल्यूज सिलेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैं क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके जस्ट ऊपर लेस देन और इक्वल टू जीरो. तो लेस देन इक्वल टू जीरो इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट्स नेगेटिव क्वांटिटीज और एग्जैक्टली जीरो क्वांटिटीज, मतलब आप माइनस 6 एंड प्लस 6/7 वैल्यूज को भी इंक्लूड कर सकते हो. लेकिन यहां से ये जो आया है ये किसका रेंज आया है, क्योंकि आप इनइक्वालिटी में वेरिएबल देख सकते हो जेड, तो यहां से जेड का आंसर आया बच्चों, जेड बिलोंग्स टू माइनस 6 के लेके 6/7. लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको निकालना क्या था, आपको यहां पर निकालना था वाई का वैल्यू. तो आप एक्चुअली निकाल क्या चुके हो, आप ये जो बॉक्स में लिखा है इसका वैल्यू निकाल चुके हो. ठीक है, इसका वैल्यू हम नेक्स्ट स्क्रीन पे कितना निकाल चुके हैं देखें जरा, माइनस 6 एंड माइनस प्लस 6/7. तो अगर मैं यहां पर माइनस 6 डालता हूं, माइनस 6 अगर मैं यहां पे डालता हूं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां से आपके पास y का रेंज निकलना आना स्टार्ट हो जाएगा. यहां पर कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे 7 आएगा माइनस 6 डालोगे तो. और अगर यहां पर आप इस बॉक्स के अंदर दूसरा वैल्यू डालते हो 6/7, तो कितना हो जाएगा 1 - 6/7 विच विल मेक इट 1/7. तो कहां से कहां तक जा रहा है ये, 1/7 से लेकर 7 तक जा रहा है. इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है. तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको अगर कुछ समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, जो अलग से चमक रहा है यहां पे ब्लू में, ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आपको लिखते आना चाहिए. ठीक है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन एसेंस है. क्या है ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसका यूज हमने बहुत ही अलग तरीके से किया.
एक्स इज रियल, ये जो कंडीशन दी हुई थी ये पढ़ने में तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आप बस रियल वैल्यूज अगर डालते हो तो वाई क्या क्या बनेगा, लेकिन यूज़ हमने कैसे किया है, यहाँ पर हमने यूज़ ऐसे किया है कि अगर मैं जेड कुछ डालता हूँ तो मैंने वही जेड डालना चाहिए जिससे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आए, क्योंकि मुझे एक्स तो रियल चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स तो रियल चाहिए, वो आगे और इंक्लूड कर लेता हूँ इसके अंदर, सिंस एक्स बिलोंग्स टू रियल. ठीक है, दिस इज हाउ वी एक्चुअली टैकल दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस का रेंज. ठीक है, लेकिन इसके ऊपर और भी बेटर क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो लेट अस ट्राई टू हैव अ लुक एट दोज. यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन उस एक्सप्रेशन में एक अननोन है, उस एक्सप्रेशन में एक अननोन है, तो ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, है ना. फाइंड द इंटरवल इन विच एम लाइज सो दैट द फंक्शन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, है ना, कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. अगर ये सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, कौन सा वाला वैल्यू, y, y ऐसा वैल्यू है, y ऐसा वेरिएबल है जो सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है. अगर ऐसी कंडीशन आपको दी हुई है देन इन दैट केस m का वैल्यू आपने कैसा लेना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन है. तो थोड़ा ये इंप्रूव हो गया है क्वेश्चन, है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, लेकिन इसको स्टार्ट तो मैं वैसे ही करूँगा, स्टार्ट इसको मैं वैसे ही करूंगा जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था. क्या करके किया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था. ठीक है, ये क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर, तो साथ साथ में समझते जाओ, अगर कोई लिख रहा है तो साथ साथ में लिखते जाओ. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिख रहा है उसको हमने इक्वल टू वाई किया, इक्वल टू वाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही होता है. ठीक है, तो क्या बनने वाला है यहाँ पे आपके पास, यहाँ बनेगा आपके पास माइनस फोर वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई इंटू एक्स, है ना, और कितना हो जाएगा एम वाई इज इक्वल टू, कितना बचा है अभी राइट हैंड साइड में, एम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, ऐसे कुछ बचा है. यस, अब देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारी क्वांटिटीज को मैं एक एक करके राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड अगर भेजूंगा तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एम था एक्स स्क्वायर के साथ में, यहाँ से कितना चला जाएगा फोर वाई जाएगा. ठीक है, तो m ऑलरेडी था प्लस 4y चला गया इंटू एक्स स्क्वायर, और क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि x के साथ में 3 ऑलरेडी था, यहाँ से कितना जाएगा माइनस 3y होके जाएगा, तो कितना बचा फिर आपके पास में 3 माइनस 3y इंटू हो गया x, और ये जो लास्ट वाला टर्म जाएगा ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव टर्म्स हैं और इनमें x नहीं है, इन दोनों टर्म्स में x नहीं है, तो दोस टर्म्स विल एक्ट एज कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, तो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया और एक्सप्रेशन ऐसा क्रिएट कर लिया. आई होप यहाँ तक सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कैलकुलेशन क्या किया है. अभी तक बस दो ही स्टेप्स किए हैं हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, और उसके बाद क्या किया है, चीज़ों को रीअरेंज किया है बस, और कुछ नहीं किया. अच्छा, तो अब यहाँ तक आने के बाद हम कैसे आगे प्रोसीड करें यह हम सोचना चाह रहे हैं. ठीक है, तो फिर से हम क्या सोचेंगे, अच्छा एक्स बिलोंग्स टू रियल लिखा है, क्या सोचेंगे, अच्छा एक्स बिलोंग्स टू रियल लिखा है. ठीक है, और x belongs to real में और भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस पर्टिकुलर केस में y सारे ही वैल्यूज ले लेगा, ऐसा भी उसने दिया हुआ है. तो इसका क्या मतलब है, उल्टा अगर सोचेंगे तो y की मैं कोई भी वैल्यू डालू यहां पे, x हमेशा क्या निकल के आएगा, रियल निकल के आएगा. जबकि लास्ट क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा था, लास्ट क्वेश्चन को फिर से देखो, लास्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि z के वही वैल्यूज मैंने लेने चाहिए जिसके लिए x रियल आए, z के मैंने वही वैल्यूज लेने चाहिए जिसके लिए x रियल आए, और इसलिए x रियल आना चाहिए था, इसलिए मैं बोल रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास z की, कि z की ये वाली वैल्यूज होना चाहिए ताकि आपको x रियल मिले यहाँ पे. ठीक है, सो दिस वॉज द लॉजिक हियर. लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि y कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, क्यों, क्योंकि उसने बोला हुआ है ऑल रियल, तो y कुछ भी डालो आपको इस इक्वेशन में तो हमेशा क्या मिलना चाहिए, x रियल ही मिलना चाहिए. y कुछ भी डालो x रियल ही मिलना चाहिए, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ही कैसा चाहिए आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए. इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ही किसी भी y के वैल्यू के लिए आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए. तो अब मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो को लिखने जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब थ्री माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ए मतलब ये वाला वैल्यू, एम प्लस फोर वाई, एंड सी, सी मतलब माइनस ऑफ दैट, तो माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस. ठीक है, ध्यान से देख लो, प्लस एम वाई, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ठीक है, यहां से अभी कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रही है, तो ध्यान देते रहो और सुनते जाओ. ऑलराइट, तो अब क्या होगा,
यहां पे अगर मैं फिर से इस चीज को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब y में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हमेशा ही कैसा होना चाहिए उसने, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, हमेशा ही इस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेंट ने हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन ने हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं, ओपन करके देखते हैं, थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी डेफिनेटली। यहाँ पर कितना आएगा, 9 + 9y² - 18y, है ना, स्क्वायर ओपन कर लिया, प्लस 4 times ऑफ, यहाँ ओपन करते हैं एक एक करके, 4m, उसके बाद आएगा m²y, देन उसके बाद आएगा आपके पास 16y, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और लास्ट टर्म बन रही है यहाँ पर 4my², ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं यहाँ पर कंबाइन करके y में एक क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ध्यान से देखना, y में एक क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूंगा जहां से फिर आगे इंटरप्रिटेशंस निकलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, y स्क्वायर कहाँ कहाँ बन रहा है पहले उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो y स्क्वायर मेरे पास एक तो यहाँ है 9y², और y स्क्वायर मेरे पास एक यहाँ भी है, लेकिन 4 मल्टीप्लाई करना भूलना मत, ठीक है। तो अब y स्क्वायर के साथ में कितना दिख रहा है आपको, वहाँ से दिख रहा है 9 और यहाँ से दिख रहा है आपके पास प्लस 16m, ये दिख रहा है हमें y स्क्वायर के साथ में। अब देखते हैं कि y के साथ में क्या दिख रहा है, y के साथ में क्या क्या दिख रहा है बच्चों, देखो जरा ध्यान से, एक तो मेरे पास y वाली ये टर्म है डबल लाइन वाली, फिर डबल लाइन वाली ये टर्म है और एक डबल लाइन वाली ये टर्म है, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या है, 4 times of m square, देन 16 and 4, 64 times of y, है ना, 64 times of y, लेकिन y साथ में लिख लेंगे और बाद में कितना हो जाएगा -18, ठीक है। तो इसको और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कैलकुलेशन ही इस क्वेश्चन में मेन पोर्शन है, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 64 के साथ में -18 और इतना हो गया y के साथ में, ठीक है। बस बने रहो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे, और ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस भी करने होंगे अपने साथ में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ढूंढो जल्दी से रेफरेंस बुक में और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। अब मिला मेरे पास क्या क्या है, है ना, सिंगल लाइन वाला वाई स्क्वायर था, डबल लाइन वाला वाई था, अब मेरे पास विदाउट वाई वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो विदाउट वाई वाली चीज़ों को मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 16m और यहाँ से है 9, यहाँ से है 9 और साथ में है 16m, एंड ये कैसा लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, क्लियर है। हम सक्सेसफुली एक अगले क्वाड्रेटिक पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, एक नए क्वाड्रेटिक पे पहुंच गए। यहां पर हम किस पे थे, हम x के क्वाड्रेटिक पे थे, वहां पर ब्लैक में हम y के क्वाड्रेटिक पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यहां पर हम इंटरप्रिटेशन क्या लेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है ना, यही एक्चुअली अब इस क्वेश्चन का एसेंस है। लास्ट क्वेश्चन का एसेंस कहां था, इस स्टेप पे था, इस क्वेश्चन में, और आगे एक बार इंटरप्रिटेशन आपको निकालना पड़ेगा। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक आपको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक आपको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, तो आप क्या कंक्लूड करोगे, आप ये कंक्लूड करोगे वहां से कि पहली बात तो ये अपवर्ड फेसिंग होना चाहिए। अपवर्ड फेसिंग के ही केस में आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। और क्या कंक्लूड करोगे, नेक्स्ट चीज आप ये कंक्लूड करोगे कि यहां पर डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो। इसने एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में ग्राफ कैसा आना चाहिए बच्चों, ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए जहां पर a ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि क्वाड्रेटिक कैसी चाहिए आपको, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, लेस देन जीरो है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मैच करके देगा। तो एक कंडीशन तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, क्या है, 16m + 9 जो है, है ना, वो क्या है, 16m + 9 वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, उसने कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इनको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन अब डिस्क्रिमिनेंट अच्छे से लिखने की जरूरत है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, डी शुड बी नेगेटिव और इक्वल टू जीरो। ऑल राइट, एडुकेमी इज आस्किंग कि यहां पर इक्वल टू जीरो लेस देन जीरो होगा कि लेस देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो यहां पर हाँ ठीक है, अगर मुझे वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अगर चाहिए तो फिर यहाँ पर भी इक्वालिटी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं थॉट में कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू जीरो भी चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। बस इसी तरह के अगर हमारे पास चैट आते रहेंगे तो बड़ी खुशी होगी,
ऑलराइट चलो तो यहाँ पर अब नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, ये पहले सिंप्लीफाई करके सोचो कितना हो जाएगा, ये 64 माइनस 18 है, 64 माइनस 18 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 46 हो जाएगा शायद, है ना। ऑलराइट तो अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखना, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू और वो कैसा चाहिए मुझे, लेस देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर प्लस 48 का होल स्क्वायर, 48 है 46 है, 46 है, ऑलराइट, 4m स्क्वायर प्लस 46 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a, a मतलब कितना है 9 प्लस 16m, और c, c मतलब कितना है, c मतलब भी कितना है 9 प्लस 16m। कैलकुलेशन तो बच्चों है इस क्वेश्चन में, नो डाउट, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हिम्मत करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की तभी हमारी हिम्मत धीरे धीरे करके बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने एंटायरली लिख दिया है एंड दैट वैल्यू हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ऑलराइट तो यहाँ पर अब मैं क्या सोच सकता हूँ, क्या एक क्वेश्चन जो हमने किया था वैसे कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है क्या? यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं ये 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ अंदर दोनों टर्म्स में तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 32m का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 प्लस 32m का होल स्क्वायर। तो बना लेते हैं, यहाँ पर क्या है मेरे पास 4m स्क्वायर प्लस 46, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना, तो अननेसेसरी बड़ी वैल्यूज़ के साथ में डील करने के प्लेस में हम इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो बाहर 4 बन के आएगा, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 23 का होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ऑफ, ये हो गया 9 प्लस 16m का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ से 4 कर देते हैं कैंसिल। ऑलराइट अब मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कंप्रेस कैसे होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2m स्क्वायर प्लस 23 माइनस 9 माइनस 16m, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर आपके पास 2m स्क्वायर है, साथ में यहां से बचा है आपके पास 16m और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टोटल हो गया कितना, साथ 32 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो रहा है 2m स्क्वायर तो है ही लेकिन साथ में माइनस 16m है और ये सब्ट्रैक्ट हो गया कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 14 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। दो अलग अलग क्वाड्रेटिक में अब ये फैक्टराइज हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, अब यहाँ पर मुझे एक बात तो ये दिख रही है कि मैं पहले वाले ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन निकाल सकता हूँ और दूसरे वाले ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, चीज़ों को छोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16, और अगर मैं यहाँ से भी 2 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हमने दोनों साइड से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ से बाहर आ गया 4। अब क्या ये दोनों ब्रैकेट्स आप और ज़्यादा फैक्टराइज कर सकते हो क्या? और ज़्यादा अगर फैक्टराइज करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये जो है ये तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ये m प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ऑलराइट, और यहाँ पर जो अगला वाला है वो फैक्टराइज हो जाएगा m माइनस 1 इंटू m माइनस 7 में। तो आपके पास अब एक सिंपल सी इनइक्वालिटी है, आपके पास एक सिंपल सी इनइक्वालिटी है जिसको आप वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करेंगे यहां पर, प्लॉट कर लेंगे सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स अगर मैं प्लॉट करता हूं तो कितना आएगा यहां पर मेरे पास क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है, प्लस 1 प्लस 7 एंड माइनस 4, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स है। राइट साइड में तो प्लस जाना ही है, यहां पर अगर प्लस जाएगा यहां माइनस जाएगा या प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है तो इन दैट केस आपको सिलेक्ट क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू सिलेक्ट करना है। लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सिलेक्ट करना है, अरे सॉरी यहां पर क्या कर दिया मैंने, यहां पर तो प्लस का साइन आएगा, जो लास्ट वाला होगा प्लस माइनस प्लस एंड अगेन प्लस, क्यों, क्योंकि यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर कैसी है, इवन पावर है, तो इवन पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम साइन चेंज नहीं करते हैं। तो निगेटिव में कितना बचा है बच्चों आपके पास, बस इतना सा ही पोर्शन बचा है 1 से लेकर 7 तक, ऑलराइट, 1 से लेकर 7 तक, लेकिन एग्जैक्टली माइनस 4 लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, ऑलराइट, माइनस 4 में दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस 4 क्या करेगा इसको एग्जैक्टली 0 बना देगा और इक्वल टू 0 हमने यहां पे मार्क किया हुआ है, आई बात समझ में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है मानता हूं मैं इसके अंदर, लेकिन इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर अच्छे से निकल के आएगा। यहां पर अब देखो आपके पास एक और इक्वेशन थी, इसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, m का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 9 बाय 16 होना चाहिए,
m का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 9/16 होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है क्या पूरा का पूरा पॉजिटिव है क्या, है ना? 1 से लेकर 7 तक जो वैल्यू है वो तो ऑब्वियसली माइनस 9/16 से बड़ी ही है. तो अगर इन दोनों की बात माननी है तो आपने माइनस 1 से लेकर 7 तक तो आंसर ले ही लेना चाहिए. लेकिन कौन सा आंसर नहीं ले पाएंगे फिर उस केस में, जो हम माइनस 4 डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, वो नहीं ले पाएंगे. ऑल राइट, बिकॉज दैट वायलेट्स दिस पर्टिकुलर कंडीशन, एम शुड बी ग्रेटर देन माइनस 9/16. तो आपका ओवरऑल एम का रेंज कितना आएगा इस पर्टिकुलर केस में, बस 1 से लेकर 7 तक. ठीक है, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. m should belong to 1 to 7. ठीक है, एंड दैट एंड्स अवर फाइनल डिस्कशन हियर. ठीक है, होपफुली आप इसको एक बार फिर से देखोगे और अच्छे से समझ जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं. ठीक है, ऑल राइट, मुझे बड़े दिनों से ये क्वेश्चन डिस्कस करना था, है ना? तो होपफुली मैं यहाँ पर समझा पाई हूँ आपको जो क्रिटिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे. ठीक है, एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यहाँ पर होना चाहिए, और जो यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन बना है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर भी दो चीज़ें हमने की हैं. एक तो यहाँ पर हमने ए को ग्रेटर देन जीरो किया है, क्यों? क्योंकि ग्राफ याद है हमें. और नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ. दिस वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो एक ही क्वेश्चन में हम दो अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यूज़ भी कर रहे हैं और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो भी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट, दैट कंप्लीट्स अवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से. वाई डी लेस देन जीरो. ऑल राइट, राहुल को दिक्कत आ रही है कि सर यहाँ पे लेस देन जीरो क्यों हुआ. ऑल राइट, तो यहाँ पर बेटा आपको थोड़ा सा ग्राफ समझने की जरूरत है इसका मतलब. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट जब तक लेस देन जीरो नहीं होगा तब तक ग्राफ आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा जहाँ पर वो पूरा का पूरा ऊपर है. आपको पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर करने की ज़रूरत थी. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जो हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसके रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं. अगर रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आना चाहिए. ठीक है, अच्छा बीना मित्तल इज आस्किंग कि सिंगेज का अलजेब्रा लूँ या फिर हॉल एंड नाइट लूँ. तो बेटा ये तो कोई कंपैरिजन अच्छा नहीं किया आपने, है ना? हॉल एंड नाइट तो एक जनरल रेफरेंस के लिए रखना चाह रहे हो तो रख लो. ठीक है, ऑल राइट, लेकिन सिंगेज पूछ रहे होते या अरियंत पूछ रहे होते जैसे एक बच्चे ने अभी पूछा, ठीक है, सो दैट मेक्स अ लिटिल मोर सेंस क्योंकि ये दोनों बुक्स एक जैसी हैं. ठीक है, फॉरेन ऑथर्स की सारी बुक्स अलग हैं, उनको बस अपने पास रेफरेंस के लिए रखोगे तो अच्छा रहेगा. लेकिन आपको चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होना चाहिए. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसी बुक लो जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, क्योंकि आपके अगर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो आप ऐसा भी कभी कर सकते हो, है ना? और ऐसा करना चाहिए डेफिनेटली आपने कि अब मैं एक घंटा बैठूंगा और मैं एक घंटे में 30 क्वेश्चंस ट्राई करूंगा सॉल्व करने की. ठीक है, बिकॉज दैट इज द टारगेट इन मेंस. अगर आपको लग रहा है कि एक्सरसाइज लेवल 2 है, लेवल 3 है, तो एटलीस्ट ट्राई टू डू 15 क्वेश्चंस एक घंटे के अंदर. ठीक है, सो दैट कैन बी डन ओनली व्हेन यू हैव सम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस विद यू. ठीक है, सो ऑलवेज सिलेक्ट अ बुक जिसके अंदर इस तरह के आपको इनपुट मिल रहा है. ठीक है बच्चों, ऑल राइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है हमें. सो नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. वैसे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाना चाह रहा था वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस नहीं था, वो था लोकेशन ऑफ रूट्स. ऑलराइट, लेकिन लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए मुझे एक कंप्लीट क्लास चाहिए. ठीक है, एक कंप्लीट क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोकेशन ऑफ रूट्स शुरू से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा टॉपिक अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको डिस्कस करने में थोड़ा कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू लोकेशन ऑफ रूट्स, इसलिए हम आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. ठीक है, ऑलराइट, अदरवाइज ये वैसे टुवर्ड्स द एंड भी हो सकता था. ऑलराइट, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन बेसिकली जो समझना चाहिए यहाँ से आपको, है ना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हम नया सीखने वाले हैं. यहाँ पर हम नया नहीं सीखने वाले हैं ये पता होना चाहिए एक्चुअली आपको, क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स. ठीक है, तो ये जो थ्योरी है एग्जैक्टली वही है. मतलब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, थोड़े हायर डिग्रीज के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके लिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स याद करने वाले हैं. ठीक है, दैट इज द ओनली इंप्रूवमेंट हियर. अदरवाइज करना क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का ही डिस्कशन हमें यहां पर करना है. ठीक है, ऑल राइट. तो सुक्षल इज सेइंग कि आई एम गेटिंग प्रॉब्लम इन लॉगरिथम्स. तो बेटा लॉग हमने डिस्कस कर लिया है, है ना, 11th क्लास के जो क्वाड्रेटिक की प्लेलिस्ट है वैसे ही एक अलग से प्लेलिस्ट आपको 11th क्लास में फंक्शंस की भी मिलेगी, वहां पर आप देख सकते हो तीसरे या चौथे.
थर्ड या फोर्थ फोर्थ लेक्चर में देखो आपको लॉगरिदम्स का डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है? ऑल राइट, राणा सागर इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग. हाँ, थैंक यू वेरी मच बेटा. यस, 200,000 इज अ ह्यूज नंबर एंड वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू रीच टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट सो अर्ली, है ना? बस ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, है ना? ऐसे ही आप अगर लोगों को बताते रहोगे कंटिन्यूसली कि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है ऑन अनअकैडमी जेई, तो इसी तरह से हमारी फैमिली भी बड़ी होती जाएगी, ठीक है? ऑल राइट, चलो तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या सीखना है. तो फिर से सिंपल से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? क्योंकि यहाँ से बिल्डअप आएगा, यहाँ से प्रॉपर आपका बिल्डअप आने वाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो. और इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होते हैं, है ना, दो रूट्स होंगे ना इसके, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या होता है जो हमें टेंथ क्लास से याद है कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? माइनस बी बाय ए होता है. और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है? C by A होता है. ये हमें याद है, ठीक है? ऑल राइट, लेपर्ड गेमिंग इज आस्किंग सर प्लीज बता दो कि बेस्ट बुक कौन सी है, है ना? तो बुक बच्चों एक्चुअली बेस्ट नहीं है, आप जो बुक अच्छे से कर लोगे वो आपके लिए बेस्ट होगी, है ना? मैं जब पढ़ रहा था तब अरिहंत पब्लिकेशन काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन था, है ना? और उसके कंपटीशन में और कोई था नहीं, तो मैंने वो करके आईआईटी क्लियर कर ली. आजकल बच्चे सिंगेज पढ़ के आईआईटी क्लियर कर रहे हैं और जो अरिहंत पढ़ रहे हैं वो भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या सोचना है यहाँ पे कि एक बेस्ट बुक तो मैं चलो आपको नाम दे दूँ, है ना, लेकिन आपको वो पूरी करनी पड़ेगी. तो अगर आप पूरी आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव करोगे, आप पूरी सिंगेज ऑब्जेक्टिव पूरी सिंगेज की कर लोगे, या फिर आप पूरी अरिहंत कर लोगे, है ना, कर नहीं पाओगे शायद, है ना? लेकिन अगर कर ली तो डेफिनेटली आपके काफ़ी अच्छे रैंक आ जाएगी, ठीक है? तो दैट इज़ माई टेक हियर. यस, एस के गोयल वर्सेज ए अग्रवाल. ऑल राइट, ऐसा मत करो यार, ऑथर्स के बीच में लड़ाई मत करो, दिस वर्सेस दैट, है ना? यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है. आप अगर देखोगे तो सारे ही ऑथर्स ने काफ़ी मेहनत से उनकी खुद की बुक लिखी है, है ना? एंड दे डू बिलीव देमसेल्व्स कि ये बुक पढ़ के बच्चे आईडी क्लियर कर लेंगे और वो गलत नहीं सोचते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बस आपको ये कोशिश करनी है कि आपके पास जो बुक है आप उसको पूरा करो, ठीक है? ऑल राइट, चलो. अच्छा सार्थक सिंह सर क्वेश्चन दे दो. अरे ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं, मैं और क्वेश्चन आपको देके बर्डन क्यों करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो बच्चों कि आपके पास क्वेश्चंस अनलिमिटेड हैं, क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? लेकिन लिमिटेड क्या है? जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है दैट इज़ लिमिटेड, ठीक है? तो उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मैं आपको 100 क्वेश्चन दूँ चाहे 1000 क्वेश्चन दूँ, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आप 100 क्वेश्चन में भी उतना ही अच्छे से कर सकते हो परफॉर्म जितना 1000 में करोगे, लेकिन स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपने डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहना चाहिए, ठीक है? ऑल राइट, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बुक लो जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. ऑल राइट, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन ये रिजल्ट मैंने कैसे आपको डिराइव किया था वो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि उसी का यूज़ मैं नेक्स्ट क्यूबिक इक्वेशन के लिए करने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था. मैंने ये बोला था कि अच्छा अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो के रूट्स अल्फा और बीटा है, देन आई कैन फैक्टराइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स. और वो मैं कैसे लिखूंगा? वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. फिर हमने क्या बोला था कि ये ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि अल्फा डाल के ये भी जीरो बनाएगा, अल्फा डाल के ये भी जीरो बनाएगा, बीटा डाल के ये भी जीरो बनाएगा, बीटा डाल के वो भी जीरो बनाएगा. लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा, वन टू वन कंपेयर करूंगा, तो अभी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में वन है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में a है, इसलिए करेक्ट एक्चुअली यहां पर जो ब्रेक करना चाहिए हमने कैसे करना चाहिए, a इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. ये बेसिक लॉजिक यहां पर फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमने क्या बोला था कि यहां तक कैसे पहुंचोगे, यहां तक अगर आपको पहुंचना था तो हमने बोला था पहले तो ये काम करो कि दोनों साइड a से डिवाइड कर दो. दोनों साइड अगर मैं a से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू x प्लस c बाय a, और यहां पर हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. फिर हमने ओपन कर लिया था यहां पे, ठीक है? अगर आप इसको ओपन करने के बारे में सोचोगे तो क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ खास कर नहीं सकते, इसको ऐसे रखते हैं, और इस साइड हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है? ध्यान से देख लो यहाँ पर कैसे किया है. एक बार एक एक करके ओपन करो, एक बार बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा एक्स इंटू माइनस बीटा और बनेगा माइनस अल्फा इंटू एक्स, तो ये हो गया माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और जब अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा बीटा बनेगा, ठीक है? अब वन टू वन अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स तो ऑलरेडी सेम है, तो आप यहाँ से कंक्लूड करते हो कि अच्छा ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाय, दैट्स वाई
दैट्स वाई अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय, एंड सिमिलरली आप कंपेयर करते हो कॉन्स्टेंट टर्म्स तो यहाँ से आपको मिलते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय. क्लियर है? ये जो हमने किया है, ये जो हमने अभी ब्लैक से कैलकुलेशन किया है, एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन आप किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए करके बता सकते हो. ये आपने समझने की बात है, ठीक है? ये अगर समझ जाओगे तो आगे वाला कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा. क्या समझना है? कि ये जिस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, कैसे किया है, एक क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया है. फैक्टराइज कैसे किया है? उसके रूट्स की मदद से फैक्टराइज किया है. ये हमने दो रूट्स की मदद से किया क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं. मैं जब क्यूबिक का डिस्कशन करने जाऊंगा तो मेरे पास तीन रूट्स आएंगे, ठीक है? हमने पहली क्लास में क्या सीखा था? अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको n रूट्स पक्के से होते हैं. तो क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे? पक्के से तीन रूट्स होंगे. तो उसका डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये डिस्कशन तो हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है? अब समझो, अब समझने वाली बात आएगी यहाँ पे जब हम क्यूबिक का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो क्यूबिक इक्वेशन दिखती कैसे बच्चों? क्यूबिक इक्वेशन ऐसे कुछ दिखेगी आपको, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी, क्यूबिक इक्वेशन दिखेगी आपको स्टार्ट करके ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो. क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए इसके रूट्स क्या क्या होंगे? लेट अस से अल्फा बीटा और एक और ले लेते हैं गामा. अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स होंगे. अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं देन आई कैन एक्चुअली फैक्टराइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स. और वो मैं कैसे लिखूंगा? जैसे इसके पहले लिखा था बिल्कुल वैसे लिखूंगा कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज एक्चुअली इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा. क्या क्या समझ में आया? एक्स्ट्रा ए क्यों लिखा? ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कहाँ पर, जब हम क्वाड्रेटिक का डिस्कशन कर रहे थे कि ये एक्स्ट्रा ए क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स मैच करना चाहिए दोनों साइड, ठीक है? वैसे यहाँ पर मैं सेम बात कर रहा हूँ. यहाँ पर अगर मैं ए नहीं लिखता तो यहाँ पर सिंपल ए क्यूब बनता है, जबकि यहाँ पे ए इंटू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो हमने एक्स्ट्रा ए मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दीज इक्वेशंस आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है? ऑलराइट, तो जैसे मैंने ये लिखा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे हमने वहाँ किया था, कहीं पर भी यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है? क्या होगा यहाँ पे? मैं a से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये बनेगा x क्यूब प्लस b बाय a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c बाय a इंटू एक्स प्लस d बाय a. क्या हुआ यहाँ पे? a से मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ से a तो हट गया. अब अगर a हट गया है तो मैं बोलूंगा कि इसको अच्छे से ओपन कर लो. अब इसको ओपन करने के लिए सोचो कि यहाँ पर कितने टाइप के टर्म्स बनेंगे, है ना? ये तरीका इंपॉर्टेंट है समझना. अदरवाइज आप एक एक करके तो ओपन कर ही सकते थे, लेकिन मैं एक जनरल और अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपको ऐसे प्रोडक्ट वाली चीज़ों को ओपन करके सोचना कैसे चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मुझे x का हाईएस्ट पावर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तीनों ही ब्रैकेट में से x उठाना पड़ेगा, सही है? ए से ऑलरेडी डिविजन हो चुका है बच्चों, ठीक है? तो ए को मत देखना. अब मैं केवल x पे कंसीडर कर रहा हूँ. अगर मुझे x का हाईएस्ट पावर चाहिए तो हर ब्रैकेट से मैं x उठाऊंगा. अगर हर ब्रैकेट से x उठाऊंगा तो हाईएस्ट पावर कितना जनरेट हो रहा है? एक्स क्यूब जनरेट हो रहा है. प्लस अब एक्स क्यूब अगर जनरेट हुआ है तो नेक्स्ट किसका नंबर आएगा? एक्स स्क्वायर का नंबर आएगा. मुझे अगर एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, तो मैं क्या सोचूंगा? यहां पर प्रोडक्ट मैंने कैसे करना चाहिए? प्रोडक्ट मैंने ऐसे करना चाहिए कि मैं दो ब्रैकेट से x उठाऊंगा और एक ब्रैकेट से कॉन्स्टेंट उठाऊंगा. जैसे ये कुछ कर सकता हूं मैंने, अगर ऐसा किया तो यहां से x उठाएं, यहां से x उठाएं, यहां से माइनस गामा उठा लिया तो कितना बनेगा? माइनस गामा एक्स स्क्वायर. लेकिन ऐसे ही मैं क्या कर सकता था? बीटा उठा के बाकी दोनों से x ले सकता था, तो माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा. और ऐसे ही माइनस अल्फा के साथ में भी एक्स स्क्वायर बना सकता था, ठीक है? तो कितना बनेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर के तीन टर्म्स आएंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा. किसके साथ आएगा? एक्स स्क्वायर के साथ में. तो कितना आ रहा है वो? माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा एक्स स्क्वायर के साथ में आ रहा है. ऑलराइट, अब मैं सोच रहा हूँ कि x के साथ में क्या क्या आएगा. तो अगर मुझे ये देखना है कि x के साथ क्या क्या आएगा, तो मैं क्या सोचूंगा? किसी भी एक ब्रैकेट से x ले लो, बाकी दोनों से कांस्टेंट ले लेना. तो अगर मैंने यहाँ से x लिया तो आएगा बीटा गामा कांस्टेंट, है ना? ये पेयर जो है, दिस पेयर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस ग्रुप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज क्रिएटिंग x, ठीक है? लेकिन कितना आ रहा है वो? बीटा गामा x. वैसे ही और क्या बन सकता है? अल्फा बीटा x. और क्या बन सकता है? अल्फा गामा x, ठीक है? तो यहां पर क्या क्या टर्म्स बनने वाली है एक्स के साथ में? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स. और लास्ट देखो कि अगर एक्स भी नहीं चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए. अगर आपको कांस्टेंट चाहिए तो आपने मल्टीप्लीकेशन कैसे ओपन करना चाहिए? तीन का, तीन का मल्टीप्लीकेशन ओपन इस तरीके से करो कि आपने किसी भी ब्रैकेट से एक्स सिलेक्ट नहीं किया, मतलब आपने हर ब्रैकेट से कांस्टेंट सिलेक्ट किया. तो यहां से अल्फा, यहां से बीटा, यहां से गामा, लेकिन क्योंकि सबके आगे नेगेटिव लगा है तो एक नेगेटिव बच जाएगा.
इसलिए एक नेगेटिव बच जाएगा। ठीक है, यहाँ वाला स्टेप समझ में आ रहा है बच्चों? हमने क्या किया है, जैसे हमने यहाँ ओपन किया था, है ना, ये जो हमने ओपन करके ऐसा लिखा था, बिल्कुल वैसा ही कुछ तो एक्सप्रेशन यहाँ भी बन रहा है। ऑलराइट, अब फिर से क्या करेंगे, वन टू वन कंपेयर करेंगे। वन टू वन अगर आप बच्चों यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो ऑलरेडी सेम है। आप अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, अगर आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू बी बाय, तो माइनस उधर से उठा के इसको दे दो, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ऐसा इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये तो काफी अच्छा एक्सप्रेशन लग रहा है हमें देख के, क्योंकि पिछली बार क्या आया था क्वाड्रेटिक में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, यहां पर आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। नेक्स्ट, अगर मैं एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, अगर एक्स के कोएफिशिएंट्स को मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं लास्ट कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करता हूं तो कितना आता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय, क्योंकि वहां से माइनस उठा के मैंने इसको दे दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाय ए। ये अब इस केस में तीन इक्वेशंस आ रही हैं, और यही थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है बच्चों। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्या है, कि हाउ इजीली कैन यू रिलेट रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो यहां पर आपके नोटिस करोगे कि जब तक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, आपके पास रूट्स और कोएफिशिएंट्स के लिए दो इक्वेशंस आ रही थी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, लेकिन वैल्यूज काफी सिमिलर सी थी, माइनस बी बाय ए एंड सी बाय ए। और यहां पर अगर देखोगे तो आपके पास क्यूबिक है, तो आपके पास तीन रूट्स है, तो आपके पास तीन इक्वेशंस भी आ रही हैं, लेकिन वैल्यूज वैसी कुछ तो आ रही हैं, माइनस बी बाय ए और सी बाय ए तो एक्जैक्टली सेम हो गया, यहां पे एक्स्ट्रा टर्म है जिसमें कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस डी बाय ए वैल्यू आ रही है। तो अगर आप यहां से कुछ भी अगर कोई पैटर्न नोटिस कर पाए हो तो आपको आगे का जो मेन थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्मेट है वो भी समझ में आ जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली फाइंड सम पैटर्न इन दीज टू वैल्यूज। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर देखो मैं एक और नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एंड नोटेशन विल एक्चुअली हेल्प अस इन राइटिंग द जनरलाइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो यहां पर एक सिग्मा नोटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिग्मा क्या कर रहा है, सिग्मा आपके चीजों को कंप्रेस करके रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, सिग्मा मतलब क्या होता है, एडिशन, एडिशन ऑफ टर्म्स होता है। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं सिग्मा अल्फा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा जैसे जितने भी आप रूट्स देख पा रहे हो इक्वेशन में उन सबको सिग्मा कर दो, अल्फा जैसे जितने भी वैल्यूज हैं उन सबका सिग्मा कर दो, सिग्मा कर दो मतलब एडिशन कर दो। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हमारे पास अल्फा जैसा और क्या था, बस बीटा ही था। तो सिग्मा अल्फा का मतलब कितना निकलेगा, सिग्मा अल्फा का मतलब निकलेगा अल्फा प्लस बीटा, और इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए के बराबर है। तो यहां से मैं आंसर बता रहा हूं कि सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, क्या है, सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। ऑलराइट, और आगे देखते हैं दूसरा नोटेशन क्या हो सकता है। लास्ट आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, ऊपर वाला सम ऑफ रूट्स है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, लेकिन इसी चीज को मैं सिग्मा वाले फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं कि अल्फा बीटा जैसे जितने भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो उन सबका सिग्मा कर दो, अल्फा बीटा जैसे आप जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो उन सबका सिग्मा कर दो। तो यहां पर अल्फा बीटा के अलावा और कुछ था ही नहीं, यहां पर अल्फा बीटा के अलावा इस स्लाइड में कुछ है ही नहीं, तो यहां पर अल्फा बीटा का सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा ही होगा, क्योंकि आगे ऐड करने के लिए और कोई टर्म हम वैसा कोई जनरेट कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, ऑलराइट, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय ए होता है। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो यहां से मैंने दो नोटेशंस यहां पे दो इक्वेशन लिखी है इन फॉर्मेट ऑफ सिग्मा, है ना, समझते हैं उसको क्या है, सिग्मा अल्फा मतलब क्या है, अल्फा जैसे जितने भी टर्म्स है उनका सिग्मा करो, और नीचे सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या है, अल्फा बीटा जैसे जितने भी टर्म्स है उनका सिग्मा करो, ऐसा ये नोटेशन है, और उनके आंसर्स हमें पहले से पता है। ठीक है, सिग्मा अल्फा मतलब ये अल्फा प्लस बीटा होता है, उसके आंसर माइनस बी बाय हमें पहले से पता है, लेकिन अब ज्यादा करके मैं इसको नोटिस करने की कोशिश करूंगा डायरेक्टली। ठीक है, देखते हैं कि मैं क्यूबिक में भी ऐसा ही कुछ लिख पा रहा हूं क्या। क्यूबिक में फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर जो पहला वाला इक्वेशन है उसको सिग्मा के फॉर्मेट में लिख के देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
यहां पर आप क्या बोलोगे, अल्फा जैसे जितने भी आपको रूट्स दिख रहे हैं उन सब का सिग्मा कर दो, अल्फा जैसे जितने भी आपको रूट्स दिख रहे हैं उन सब का सिग्मा कर दो, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, अल्फा जैसा बीटा भी है और अल्फा जैसा गामा भी है, तो इन तीनों का सिग्मा हो जाएगा। इन तीनों का सिग्मा हो गया तो आपके पास यही एक्सप्रेशन बनेगा, इसके अंदर सिग्मा अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय ए आ जाएगा। क्लियर है? ऑलराइट, एक और इक्वेशन लिख के देखते हैं नेक्स्ट वाली। यहां पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, दो दो का ग्रुप है, दो दो का ग्रुप है, लेकिन चीजें कितनी है, टोटल तीन चीजें, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं अल्फा बीटा जैसे जितने भी पेयर हैं, अल्फा बीटा जितने जैसे जितने भी पेयर्स हैं इन सब का क्या कर दो, सिग्मा कर दो, तो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रेड से लिखा हुआ है, अल्फा बीटा जैसा क्या है, बीटा गामा भी है और वैसे ही क्या है, गामा अल्फा भी है और कोई नहीं है। यहाँ पे इसको गामा अल्फा और अल्फा गामा को अलग अलग नहीं मानना है, ठीक है, आगे पीछे करके अलग अलग नहीं करना है, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, कितने अलग अलग पेयर्स बना सकते हो, ऐसा आपको चेक करना था। और यहाँ पर सिग्मा अल्फा बीटा वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नोटेशन वाइज सिग्मा अल्फा बीटा का आंसर कितना है, सी बाय ए है। और वैसे ही लास्ट वाला जो है उसको मैं फिर से या तो अल्फा बीटा गामा ही छोड़ देता हूं या फिर सिग्मा अल्फा बीटा गामा लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर अल्फा बीटा गामा तीन तीन के प्रोडक्ट जैसे कितने टर्म्स बना सकते हो, खत्म हो गए, और है ही नहीं यहां पर अल्फा बीटा गामा, तीन ही वैल्यूज थे, तो अब आगे पीछे तो करना नहीं होता है, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता है। तो इस केस में सिग्मा अल्फा बीटा गामा ऑन दिस स्लाइड विल एक्चुअली मीन ओनली अल्फा बीटा गामा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा विल मीन अल्फा बीटा गामा, क्योंकि यहां पर डेल्टा है ही नहीं, डेल्टा होता अगर तो यहां पर और भी सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस डी अपॉन ए आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो अब क्या सोचेंगे हम, सिग्मा अल्फा का आंसर यहां पर माइनस बी बाय ए है और सिग्मा अल्फा का आंसर यहां पर भी माइनस बी बाय ए है, नोटेशन वाइज दोनों जगह चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो चाहे क्यूबिक इक्वेशन लिखो आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, सिग्मा अल्फा बीटा का आंसर यहां पर सी बाय ए है क्वाड्रेटिक में, और अगर मैं क्यूबिक में देखूंगा तो सिग्मा अल्फा बीटा का आंसर यहां पर भी सी बाय ए है, नोटिस कर रहे हो यह बात, है ना। अब यहां पर एक्स्ट्रा टर्म है अल्फा बीटा गामा जो वहां पर था ही नहीं, इसके पहले वाले में था ही नहीं, तो हर बार आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगी, तो लास्ट वाली इक्वेशन आप प्रीवियस वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अब एक फ्लो समझ में आ रहा है मुझे कि सिग्मा अल्फा का आंसर तो हमेशा माइनस बी बाय ए ही होता है, क्या समझ में आया, सिग्मा अल्फा का आंसर तो हमेशा माइनस बी बाय ए ही होता है, लेकिन अब बी और ए तो हमने नाम रखे हैं ना, बी और ए तो हमने नाम रखे, तो यहां पर एक बार देखते हैं कि बी था क्या और ए था क्या, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर बी एक्चुअली क्या था, जो हाइएस्ट डिग्री टर्म है उससे एक कम जो है उसका कोएफिशिएंट है, बी क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उससे जो एक कम डिग्री वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, और ए क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको इन दोनों का डिवीजन एक्चुअली सिग्मा अल्फा का वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है ना, यहां पर आपके पास माइनस का साइन आ रहा है जबकि सेकंड वाले में प्लस का साइन आ रहा है, तो माइनस का साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन, चलो यहां भी थोड़ा सा पैटर्न है, इसका मतलब याद किया जा सकता है इसको। ऑलराइट, अब अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा का आंसर है सी बाय ए, तो सी क्या है और ए क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर सी क्या था कि हाईएस्ट पावर से दो कम, हाईएस्ट पावर से दो कम वाला जो वैल्यू है उसका कोएफिशिएंट कितना है, तो वो सी है, और डिवीजन तो ए से ही हो रहा है, ए तो क्लियर हमें क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका मतलब अब कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद ऑब्वियसली क्या आएगा आपके पास, उससे कम वाला जो है डी उसको डिवाइड करेंगे ए से, लेकिन इस बार क्या आ गया, माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ गया, माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब ये प्लस माइनस प्लस क्यों आ रहे हैं, आप समझ सकते हो यहां पे, क्योंकि यहां पर तीन चीजें मल्टीप्लाई जब होंगी तो नेगेटिव आएगा, एक चीज रहेगी तो सिंगल रहेगा तो नेगेटिव आएगा, दो दो का पेयर हो जाएगा तो वो दो दो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया था, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब अगर हिंड साइड में याद रखना है कि याद कैसे रखेंगे, तो ऑड इवन के फंडे से आप याद रख सकते हो कि अंदर सिग्मा के अंदर अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हुई है तो माइनस का साइन आएगा, तो यहां पर माइनस का साइन आ रहा है, यहां पर माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हुई है तो फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है, याद रखने के लिए ऐसा याद रख लो। आया कैसे था, वो तो प्रोडक्ट करके आया था, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यही लॉजिक से अगर मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो आगे भी यही सारी बातें लग जानी चाहिए, तो मैं इन जनरल किसी भी डिग्री के लिए डिस्कस कर लेता हूं, अगर मैं किसी भी डिग्री के लिए डिस्कस कर लूंगा सो दैट विल एक्चुअली रिप्रेजेंट थ्योरी ऑफ इक्वेशन इन जनरल, बट वॉट यू आर सीइंग हियर इज ऑल्सो थ्योरी ऑफ इक्वेशन बट इन पर्टिकुलर,
in particular for cubic expressions. Okay? So this is theory of equation for cubic, and what you are seeing here, jo aapne pehle se padh liya tha, this was theory of equation for quadratic. ठीक है, ऑल राइट. अब देखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है इन जनरल कैसे लिखी जा सकती है ना. यहां पर आई होप ये बच्चों आपको समझ में आ गया है कि आपको कैसे सिलेक्ट करना होती है वैल्यूज. डिनोमिनेटर में तो हमेशा क्या आएगा, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और उसके आगे एक एक आगे वाले टर्म उठाते जाओ तो वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम वाले वैल्यूज का सिग्मा आते जाएगा आपके पास. ठीक है, वन रूट एट ए टाइम का सिग्मा, टू रूट्स एट ए टाइम का सिग्मा, थ्री रूट्स एट ए टाइम का सिग्मा, ऐसे सारे आंसर्स आपको निकलते जाएंगे. और प्लस माइनस प्लस वाला लॉजिक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप कैसे याद रख सकते हो. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, तो अब देखो यहां पर कैसे कर सकते हैं. यहां पर मैं एक बड़ा सा इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूं, विच इज ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू. ऐसा करते करते मैं ए एन तक जा रहा हूँ. यहाँ पर ए बी सी जो है वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिकली ए जीरो जो है, ए नॉट जो है वो जीरो नहीं है. ठीक है, यहाँ पर ये कैसे हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं ऐसा मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर मैं ए बी सी नहीं ले सकता था बच्चों, इसलिए मैंने ए बी सी नहीं लिया. ए बी सी अगर लिखता तो कहीं जाके खत्म हो जाता, पता चला यहाँ पर एन जो है वो 300 है, 300 डिग्री का है, तो मैं ए बी सी डी क्या नए नए जनरेट करते रहूँगा, नहीं करते रहूँगा ना. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अल्फा न्यूमरिक लेना ज़रूरी था, तो अल्फा न्यूमरिक मैंने ए जीरो, ए वन, ए टू ऐसे करते करते ए एन तक वैल्यूज़ ले लिए. ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इसकी हाइएस्ट पावर एन है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, एन रूट्स होंगे. सो लेट अस कॉल दोज रूट्स एज अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अप टू अल्फा एन. ठीक है, अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मैं डायरेक्टली लिख के बताने वाला हूँ कि यहाँ पर सिग्मा अल्फा का आंसर कितना होगा. क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, सिग्मा अल्फा वन, सिग्मा अल्फा वन जैसे और कितने अल्फाज हैं आपके पास, अल्फा वन जैसे और कितने अल्फा हैं, बहुत सारे हैं, अल्फा टू भी है, अल्फा थ्री भी है, अल्फा फोर भी है, अल्फा एन भी है. ठीक है, तो ऐसे सारे जो अल्फाज हैं उन सब का आपको करना है सिग्मा, उन सारे अल्फाज का आपको करना है सिग्मा, तो कितना आंसर आएगा ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ. तो फिर से देखते हैं हमने क्या लॉजिक सीखा था. आपको अगर सिग्मा अल्फा का आंसर निकालना है तो आप क्या बोलते हो, डिविजन में क्या करना है वो तो क्लियर है, लेकिन क्या लिखना होता है आगे, जो नेक्स्ट लेसर डिग्री वाला टर्म होता है उसके कोएफिशिएंट का साथ में रेशो क्रिएट करना होता है आपको. ठीक है, ऑल राइट. तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर अगर मुझे सिग्मा अल्फा वन बनाना है तो पहली बात यह कि सिग्मा के अंदर एक सिंगल टर्म लिखिए, मतलब ऑड टर्म लिखिए वन, तो यहां पर माइनस का साइन तो आना चाहिए. ठीक है, आगे मैं देखता हूं कि अच्छा ठीक है, एक्स की पावर एन को तो छोड़ दो, एक्स की पावर एन माइनस वन का कोएफिशिएंट कितना है, तो ए वन है, और उसको डिवाइड कैसे करना है, हाईएस्ट वाले से, तो ए जीरो से डिवाइड करेंगे, तो सिग्मा अल्फा वन मैंने लिख दिया. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, सेकंड इक्वेशन अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू, अल्फा वन अल्फा टू मतलब दो दो का पेयर आप कितने बना सकते हो, तो बहुत ही सारे बनेंगे यहाँ पे, है ना. इसलिए हम एक्चुअली लिखने का नोटेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे. ये नोटेशन अब आप सबको पता चल रहा है कि ये क्या बताना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे खुद से लिख नहीं सकता था, क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू भी बनेगा, अल्फा वन अल्फा थ्री भी बनेगा, अल्फा टू अल्फा थ्री भी बनेगा. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बनेंगे, राइट. तो एक नोटेशन अगर आपको समझ में आ गया है, तो अब नोटेशन फॉर्मेट में आपको पता चल रहा है कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, और मुझे आप आंसर बताते भी आएगा कि अगर मैं दो दो का प्रोडक्ट चाह रहा हूँ तो मैंने क्या करना चाहिए, अब एक्स की बार एन माइनस वन की प्लेस में एक्स की बार एन माइनस टू पे फोकस करना चाहिए. क्लियर है, और क्योंकि अंदर दो टर्म्स हैं यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के केस में पॉजिटिव साइन यूज करेंगे. ठीक है, और कितना आएगा रेशो, ए टू अपॉन ए जीरो रेशो आएगा. क्लियर है, और ऐसा आप लिखते ही जा सकते हो, एक एक आप क्या करते जाओ, आगे वाला कोएफिशिएंट्स के साथ में सिग्मा का वैल्यू बताते जाओ. ये जो हम लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उसको और नीटली अगर देखना है तो ऐसा कुछ लिखा जाएगा, सिग्मा अल्फा वन एक्जैक्टली ये लिखा था हमने, माइनस ए वन अपॉन ए जीरो, सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू कितना लिखा था, प्लस ए टू अपॉन ए जीरो, और ऐसे ही आप आगे वाला लिख सकते हो, और ऐसे ही आप लास्ट वाला भी लिख सकते हो, जिसके अंदर सारे के सारे आपने अल्फा इंक्लूड कर लिए. ठीक है, ऑलराइट. तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, राइट. तो यहाँ पर हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन समझ में तो आ गया है, लेकिन हम इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से पहले इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ लोकेशन ऑफ रूट्स कवर करेंगे. ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्वाड्रेटिक में से, विच इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक, है योर लास्ट टॉपिक यूजुअली डिफिकल्टी होता है, तो वहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है मुझे पता है, तो उसको हम काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं. तो नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्लस साथ ही साथ क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक खत्म करेंगे. ठीक है, उसका सीक्वेंस सीरीज का नंबर स्टार्ट होगा. ऑलराइट, सो यू कैन हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस जो मेरे पास थे, है ना, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा ताकि आपको नोट्स में ये क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस के लिए,
काफ़ी सारे टाइम है आपके पास, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दीज क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन. ठीक है, तो आपके पास एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक क्वेश्चन है. इसके अंदर क्या हुआ है, बस मैंने क्वेश्चन तो सेम ही रखा है लेकिन रिक्वायरमेंट चेंज कर दी. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा लिखा है, यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा प्लस अल्फा लिखा है. ठीक है, ऑलराइट. और इस तरह से आपके पास एक दो और क्वेश्चन है, ये भी हम ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, ऑलराइट. सो दैट्स इट बच्चों फॉर द डे. हैव अ गुड नाइट.